नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैट डिज़ाइन शिक्षा चैनल में। आज हम सीखने जाएंगे ऑटो कैड में प्रिंट आउट कैसे दिया जाता है और ड्राइंग को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पे एक ड्राइंग है, तो कंट्रोल पी से शॉर्टकट है प्रिंट आउट का, या यहाँ से एक ऑप्शन आता है प्लॉट, प्लॉट पर जाके क्लिक करना है लेफ्ट, और यहाँ एक विंडो आ जाएगी हमारे पास। तो विंडो के अंदर सबसे पहले प्रिंटर और प्लॉटर, जो भी आपका प्रिंटर होगा एचपी या कैनन, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, इसलिए मैं कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पेपर साइज हम यहाँ से ले लेते हैं A4। यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है विंडो का, क्लिक करेंगे और विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे। जितना एरिया आप प्रिंट में देना चाहते हो उतना एरिया आपने सेलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस का ऊपर लाएंगे, फिर से माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये विंडो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेंटर द प्लॉट, ड्राइंग को सेंटर में रखना है पेपर के, तो सेंटर द प्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, क्लोज कर देंगे यहाँ से बंद करने के लिए। उसके बाद आते हैं फिट टू पेपर, ड्राइंग जो है पेपर के ऊपर फिट हो जाएगी इस तरीके से जैसा अभी हमने प्रीव्यू देखा है, क्लोज कर देंगे बाहर आने के लिए। अनचेक करेंगे फिट को, मैं चाहता हूँ कस्टम साइज, पहला ऑप्शन आ रहा है 1:1, जितना ड्राइंग का साइज होगा, मान लो ड्राइंग में आपकी 10 की लाइन है तो पेपर में भी 10 mm की लाइन ही प्रिंट होके आएगी, तो ये होता है हमारा 1:1। 1:1:2 होता है कि ड्राइंग का साइज आपका आधा हो जाएगा, जैसे 10 की लाइन है तो 5 की लाइन डायमेंशन आपको वहाँ पर मिलेगी। इसी तरह आप बड़ा करना चाहते हैं 2:1, ड्राइंग का साइज डबल हो जाएगा, 10 की लाइन है तो सीधा 20 की हो जाएगी। इसी तरह आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़ी होती जाएगी। छोटा करना है 1:1 या उससे नीचे 1:2, 1:4 आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कर दिया फिट टू पेपर। उसके बाद mm में हमारा पेपर का साइज है तो mm में रखेंगे, अगर इंच में चाहते हैं तो इंच पे आप क्लिक कर देंगे। फिलहाल मुझे mm में चाहिए तो mm में मैं सेट कर देता हूँ। मोर ऑप्शन पे जाना है, प्लॉट स्टाइल, जो आपका ड्राइंग आएगी वो कलर में लेनी है या ब्लैक एंड वाइट में लेनी है। ब्लैक एंड वाइट में लेनी है तो यहाँ से ऑप्शन आप सेट करेंगे मोनोक्रोम का, क्लिक करेंगे यस। पोर्ट्रेट में कागज चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, यहाँ से ले सकते हैं आप, लैंडस्केप में चाहिए मुझे। अप्लाई करना है यहाँ से ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे प्रिंट आउट से आपका पेपर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यदि आप किसी को मेल करना चाहते हैं ड्राइंग तो पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे, यहाँ से एक आइकन आ रहा है ऑटोकैड का, क्लिक करना है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट पर जाना है पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर प्रोसीजर वही है, विंडो पहले आपने सेलेक्ट करनी है, विंडो जाएंगे अंदर, यहाँ से विंडो लेंगे, क्लिक करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, इतना एरिया मुझे चाहिए प्रिंट आउट के लिए। ड्राइंग का आप कोई भी एक नाम दे देंगे, तो यहाँ से मैंने दे दिया डेस्कटॉप पे, सेव कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ गई है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, ये हमारी पीडीएफ फाइल हमें यहाँ पे मिल चुकी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।